तहसील छाता के रानहे रामौजा पर तैनात लेखपाल गोविंद सारस्वत का भ्रष्टाचार निवारण संगठन आगरा इकाई ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निवारण इकाई की यकायक हुई कार्रवाई से तहसील में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार निवारण टीम के प्रभारी राजीव यादव ने बताया कि उन्हें 13 फरवरी को शिकायतकर्ता मनोज भाटीपुत्र टेकचंद निवासी गांव बैरंगपुर गुरुग्राम हरियाणा से उक्त लेखपाल द्वारा ब्लैंक मेलिंग कर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर उनकी टीम ने 12 फरवरी को मामले की गोपनीय छानबीन की थी। गुरुवार की दोपहर करीब 1:30 बजे शिकायतकर्ता से टेलीफोनिक वार्ता करने के उपरांत उनकी 11 सदस्यीय टीम ने आरोपी लेखपाल द्वारा बताए गए पते होटल आरपीएल के पीछे स्थित उसके आवास पर पहुंचने के बाद केमिकल लगे 4,200 और 4,500 के नोट अर्थात 10,000 की रिश्वत लेते समय रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी लेखपाल के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही आरंभ कर दी है। भ्रष्टाचार निवारण टीम में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि प्रवेंद्र कुमार, राधा बल्लभ, प्रेम कुमार, इसरार अहमद, सुनील कुमार, बहादुर सिंह, संध्या निगम, अनीता और राघवेंद्र यादव मौजूद थे। बाक्सर लेखपाल ने जमीन को पशुचारा में परिवर्तित करने की दी थी धमकी छाता। पीड़ित मनोज भाटी ने बताया कि उसने तहसील के गाँव रानेरा में 5 एकड़ जमीन क्रय की थी, जिसका मुकदमा अपर जिलाधिकारी मथुरा के यहाँ विचाराधीन है। उक्त जमीन के संबंध में आरोपी लेखपाल ने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी और रिश्वत न देने पर उसकी जमीन को पशु चारागाह में लगाने की धमकी थी, जिस पर पीड़ित मनोज ने 5 फरवरी को फोन पर हुई सौहदेबाजी में 50,000 की रिश्वत की कॉल रिकॉर्डिंग भी भ्रष्टाचार निवारण टीम को सौंपी है। गुरुवार को उसी रिश्वत की पहली किश्त 10,000 आरोपी को देने के लिए भ्रष्टाचार निवारण टीम के साथ आरोपी लेखपाल के घर आया था। वहीं आरोपी लेखपाल खुद को निर्दोष बताते हुए षड्यंत्र के तहत फंसाने की बात कह रहा है। सर जी बताएं क्या मैटर है? ये मनोज कुमार निवासी गुड़गांव है, उनकी जमीन है रानेरा में जी, उनके माँ के नाम। इस जमीन का मुकदमा चल रहा है जी। लेखपाल ने ये इनको बताया था कि इसका गौशाला के लिए प्रस्ताव कर देंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे। इसके एवज में उन्होंने 30,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें से 10,000 रुपये आज मांगे थे, जो उनको देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पटवारी का क्या नाम है सर? गोविंद सारस्वत, ये छाता तहसील के लेखपाल हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है, कल इनको मेरठ कोर्ट में पेश किया जाएगा। दो लोग थे और है ना पैसा रखा है ना मेज पर, उसके बाद मैंने चलने को जब हुए ये उस पैसे को उठा के बोले आप लो लो लो, जबरदस्ती मेरे हाथ में रखे, फिर मेरे को अरेस्ट किया गया तुरंत ही, मतलब उठा के ले आया। ये था सर। तो ये झूठा आरोप है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल झूठा है। तो पार्टी तो कह रही है आप पैसे मांगो? पार्टी तो सर इसलिए बोलेगी क्योंकि मैंने उसकी जगह पर अरेस्ट करा दी, इसलिए पार्टी इसलिए बोली। सरकारी भूमि को जोत रहे थे वो लोग, उस टाइम पे मैंने है पुलिस द्वारा है ना उनकी अरेस्टिंग कराई, इसलिए वो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाए। पार्टी तो अपने नाम रजिस्ट्री दिखा रही है। रजिस्ट्री नहीं है सर उनके नाम, वो पहले थी रजिस्ट्री, फिर जो मतलब उनका क्या नाम है वो अधिकारी द्वारा नहीं, गुड़गांव वाली पार्टी का, गुड़गांव वाली पार्टी का कहना यह है कि आपने पहले 50,000 रुपये की डिमांड की थी। नहीं सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो लोग। और उसमें आपने एसडीएम साहब का भी हिस्सा बताया? जब मैंने उनकी अरेस्टिंग कराई उसके बाद है ना बदला लेने के लिए ये सब है ना कार्रवाई की। करप्शन अधिकारियों ने आपको पकड़ा रंगे हाथों? रंगे हाथों सर क्या कह सकते हैं रंगे हाथों, उसमें जब आपके हाथ में कोई है ना पैसा दे रहा है जबरदस्ती, तो फिर क्या हो सकता है और क्या कहेंगे इसके।